अब मैं मजेदार रहूं तो मंदिर घुमाता हूं। चलो मेरे साथ, चलो छठ मंदिर, चलो मंदिर, चलो मेरे छठ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूं अपने शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली मंदिर में, जो कि कोटद्वार में है। इस मंदिर की कोटद्वार में बड़ी ही मान्यता है और आज हम सभी लोग, मम्मी पापा और मैं, घूमने निकले हैं सिद्धबली मंदिर में। आज यहां पे बजरंगबली जी के दर्शन करेंगे, भगवान शिव के शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे और शनिदेव की पूजा करेंगे। तो इसलिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर सिद्धबली मंदिर में। यहाँ पे जूते वगैरह हमने उतार दिए हैं और यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले बहुत सारी दुकानें रहा करती थी जहाँ पे खिलौने मिलते थे, मालाएं मिलती थी। वो सब दुकानें यहाँ से हटा दी गई हैं क्योंकि ये जो ज़मीन थी सरकारी ज़मीन थी, तो सरकार ने अपनी ज़मीन खाली करा दी है। तो फिलहाल इस टाइम स्थिति इस तरह की यहाँ पर हो गई है। और यहाँ पर अब चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर। और आज पापा ने मुझे कहा है कि पैदल ही जाना है, इसलिए मैं थोड़ा पैदल चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नहीं तो मुझे गोदी में जाना ही ज़्यादा पसंद आता है। और अब चलते हैं मंदिर की ओर और बताता हूँ आपको सिद्धबली मंदिर की कंप्लीट डिटेल्स। और यहाँ पे आके सबसे पहले हाथ उठ धो लेते हैं। और जो भी लोग यहाँ पे गुड़ भेली लाते हैं या नारियल लाते हैं, तो यहाँ पे पहले नारियल को फोड़ लेते हैं और भेली को तोड़ लेते हैं, उसके बाद ही प्रसाद अंदर चढ़ता है। ये जो मंदिर है सिद्धबली मंदिर, यहाँ पे मेनली भेली का प्रसाद चढ़ता है, जो गुड़ का भेली होती है, और नारियल वगैरह चढ़ता है। ये यहाँ का मुख्य प्रसाद है। और ये जो मंदिर है सिद्धबली मंदिर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कोटद्वार में। इसके अलावा ये यूपी तक में फेमस है, नगीना, धामपुर, बिजनौर, सब जगह से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये है मंदिर और अब चलते हैं बजरंगबली जी के दर्शन करने के लिए और पंडित जी से टीका वगैरह लगवाएंगे। तो अब पापा की मैं गोदी में आ गया हूँ टीका लगाने के लिए। अब पंडित जी हमें टीका लगाएंगे और फिर प्रसाद वगैरह देंगे। इसके बाद हम पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे और दिखाऊंगा आपको यहाँ पे क्या क्या है। जो ये मंदिर है, यहाँ पे कहते हैं कि हनुमान जी प्रकट हुए थे और तब से ही यहाँ पे सिद्धबली मंदिर स्थापित है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये और लोग यहाँ पे बहुत ही मान्यता है। ये जो मंदिर है, इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो भंडारे होते हैं वो हमेशा ही चलते रहते हैं। और जो रविवार का भंडारा होता है और मंगलवार का भंडारा होता है, वो लगभग 2031 तक यहाँ पे फुल है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एडवांस यहाँ पे भंडारे की बुकिंग हो जाती है। तो इस तरीके का मंदिर है। यहाँ पे हमने सबसे पहले दर्शन किए बजरंगबली के और अब यहाँ पे चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भगवान शिव का एक शिवलिंग है जहाँ पर हम जल चढ़ाएंगे और यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद फिर हम आगे के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये हमारा मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहाड़ी पर है, शहर से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर आकर बड़ी शांति भी मिलती है। अगर आप केवल यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं, 2-3 घंटा गुजारते हैं, तो बड़ी ही मन को शांति मिलती है। और आप चलते हैं यहाँ पर शनिदेव के मंदिर में। यहाँ पे एक शनिदेव जी का भी मंदिर है और शनिवार को यहाँ पे दर्शन करने से शनि दशा सुधरती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए ये मंदिर भी काफ़ी यहाँ पे फेमस है। ये सभी मंदिर यहीं सिद्धबली मंदिर परिसर के अंदर ही हैं। और अब चलते हैं शनिदेव जी के दर्शन करने। यहाँ पे भी पंडित जी से टीका वगैरह लगवाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे नीचे की ओर। तो अब हमने अच्छे से पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, पापा ने भी, मम्मी ने भी और मैंने भी। बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूम के। हम अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, 1-2 महीने में एक बार आ जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। आपको हमारा ये मंदिर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकू कैसा लग रहा है यहाँ मंदिर में? बहुत अच्छा है। मज़ा आ रहा है? बहुत। अच्छा कौन सा मंदिर है ये? पहले मंदिर का नाम बताओ। सिद्धबली। सिद्धबली मंदिर। हाँ बंद कर दूँ? पहले एक मिनट वीडियो बनाने दो, वीडियो बनाने दो। दोस्तों अगर आपको भी कभी समय मिले तो सिद्धबली मंदिर में दर्शनों के लिए ज़रूर आना, यहाँ पर आकर मन को बड़ी ही शांति मिलती है। दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।